युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में समर क्लब द्वारा 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की 50 के करीब टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य तरसेम भारती ने किया। ग्राउंड में पहुँचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए तरसेम भारती ने कहा कि खेलों से युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य तरसेम भारती ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से युवाओं का मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेलों से युवा नशे से दूर रहते हैं व तनाव मुक्त व स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेल खेलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सोलन में ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडोर स्टेडियम के लिए कार्य किया जा रहा है। तरसेम भारती ने कहा, आज मुझे यहाँ पर समर कप में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और राइजिंग स्टार जो एसोसिएशन है कल्चर और स्पोर्ट्स की, उसके द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और क्रिकेट पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय गेम है और क्रिकेट में के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो हमारा युवा शक्ति है, हमारे जो युवा हैं, उनको जो हमारे नशे की ओर जा रहे हैं उससे दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो है वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और दे रहा है, क्योंकि हर युवा की इच्छा क्रिकेट खेलने की होती है। मैं भी बचपन में खेलता रहा हूँ और आजकल मैं इंडोर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। इंडोर क्रिकेट को लाने का मकसद हमारा ये था कि जो गली कूचे में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वो कम जगह में कैसे उसको खेला जा सके, इसलिए इंडोर क्रिकेट को ईजाद किया गया। और क्रिकेट के चलते जो है हमारे पूरे विश्व के अंदर लोकप्रिय गेम होने के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही लोकप्रिय गेम है क्रिकेट। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार की ओर से वो उपलब्ध होनी चाहिए। उसमें में ग्राउंड जो है उनका निर्माण होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है सिखाने के लिए कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें अधिक से अधिक जो युवा साथी हम चाहते हैं पार्टिसिपेट करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और आगे बढ़ें। तो आज यहाँ पर आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।